हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर फॉर यू। आज के मेरे वीडियो में आप देख रहे हैं, ये मेरे किचन गार्डन है, लेकिन ये पहले का है, 5-6 महीने पहले का है। आपको मैं दिखा रही हूँ और ये भी दिखाऊंगी। इस किचन गार्डन को मैं तोड़ रही हूँ इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो बहुत पहले का है, 5-6 महीने पहले का है। उस समय मैं वीडियो कुछ दिन तक नहीं बना रही थी, लेकिन कुछ सूट मैंने किया था इसको, तो वो मैं अपने पास रखी हुई थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मेरा किचन गार्डन काफ़ी चेंज हो गया है, तो वो आप मेरे नए वीडियो में देख रहे होंगे, पर पूरी तरह से मैंने ओवरव्यू उसको नहीं दिया है अभी, तो मैं दूँगी आगे चल करके। लेकिन आप ये देख रहे हैं पहले का किचन गार्डन कैसा था। तो ये आज बात करेंगे किचन गार्डन मुझे क्यों तोड़ना पड़ गया, और ये इसमें मैं तोड़ने वाला ही वीडियो आपको दिखाऊंगी कहाँ तक ये सारा इसमें टूटेगा, और सारा लगभग इसमें इस वीडियो में सारा किचन गार्डन टूट जाएगा। बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे चेंज करना ही था, लेकिन ये मुझे अचानक करना पड़ गया। प्लान तो बन रहा था कि कैसे कैसे क्या बनाना है, और इसका नक्शा पास भी हो गया था, पर फिर भी अभी जो है मैं नहीं चाह रही थी इसको बनाना, क्योंकि विंटर की सब्जियां इसमें लगी हुई थी और काफ़ी कुछ ऐसे पौधे थे जो तुरंत नहीं हटाना चाह रही थी, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि मुझे इससे वो जल्दी ही बनाना पड़ गया। तो मैं बहुत सारे पौधे हैं इसमें, तो जल्दी जल्दी इन पौधों को मैं शिफ्ट करूँगी, हटाऊँगी, कुछ जगह दूँगी, किसी चीज़ में लगाऊँगी। कुछ चीज़ें ख़राब भी होंगी, कुछ क्या बहुत ही होंगी। देखिए, जैसे इसमें पालक लगा हुआ है, इसको पालक को कुछ मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, तो इस तरह से ये नुकसान तो बहुत होगा। देखिए, इसके जड़ जो है, मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिट्टी हो गई है, और जड़ को देखिए, पूरा जड़ जो है फैला हुआ है। ये 4 साल मेरा किचन गार्डन किया हुआ है, इस पर मैं 4 साल की हूँ वर्क, लेकिन 4 साल बाद यानी 4थे साल में इसमें प्रॉब्लम आने लगा, सीलन होने लगा। ये सीलन बहुत ज़्यादा नहीं था, पर हमें पूरा लुक चेंज भी करना था, तो इसी बहाने हम लोग सोचे कि ये काम कर किया जाएगा। तो लेकिन फिर भी बढ़ सकता था ये सीलन, पॉसिबल तो था, होना मतलब कर सकते थे, ऐसा मुश्किल आगे आ सकती थी, लेकिन हमने उससे पहले ही इसका सोचा कि इसको बना लिया जाए। तो मिट्टी इसकी इतनी पुरानी हो गई है, सारा ही मिट्टी बिल्कुल ही खाद की तरह हो गया है। बहुत हल्की मिट्टी है, और बहुत सारे हमने इसमें शुरू में जब बनाया था तो इसमें काफ़ी खाद डाला था, लगभग 1 ट्रॉली खाद मैं लाई थी, ऊपर शिफ्ट की थी, डाली थी, इकट्ठे बनाई थी। और ये देखिए, इस पन्नी लगा करके साइड से बनाया गया था, ये जब बना था सब कुछ अच्छे से बना था, ब्रिक टाइल लगा के बनाई था हमने, और वो बिल्कुल ठंडी रहती थी, ब्रिक टाइल से जो है मिट्टी जो है गमले की ठंडी होती है। ये देखिए, स्लैब भी लगाया गया था नीचे, बड़ा अच्छा से काफ़ी गैप भी रखा गया था, करीब 6 इंच का गैप था नीचे फर्श से, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ वॉल से हमने लगा दिया था। वो गलती थी, वो भी मेरी ही गलती थी, लोगों ने मना किया था लेकिन मैं नहीं मानी थी। देखिए, मिट्टी भी मुझे लगता है कम से कम 3 ट्रॉली मेरे छत से मिट्टी निकलेगी। 1 ट्रॉली तो मैंने गोबर की खाद ही जब डाला था, जब स्टार्ट किया था किचन गार्डनिंग। ये देखिए, साइड से वॉल आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा ग्रीन हो चुका है, सिर्फ वॉल में प्रॉब्लम आई है, और बाकी बिल्कुल सब कुछ ठीक था। मिट्टी जहाँ मुझे मौका मिल रहा है मैं डाल के इसको रख रही हूँ, पौधों को जहाँ मिल रहा है मौका किसी चीज़ में लगा दे रही हूँ। बहुत सारे सीजनल भी हैं, सीजनल भी थोड़े बहुत जितना आप निकलेंगे तो निकलेंगे, अब तो वेस्ट हो ही रहा है, लगेगा ही, नुकसान तो होगा ही, इसलिए मैं इस समय थोड़ा नहीं करवाना चाह रही थी काम की। ये सब अभी पौधों को मैं इस्तेमाल कर लूँ, सीजनल चीज़ों को निकाल लूँ, बट ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मैं जहाँ भी मौका मिल रहा है इसको मैं रखूँगी। अब ये मौका आ गया है तो मैं मिट्टी को ठीक करूँगी। मिट्टी तो वैसे मेरी बहुत अच्छी थी, 1 ट्रॉली से होकर के 3 ट्रॉली के आसपास हो गई थी, और ये सारी किचन वेट से ही बना हुआ मिट्टी है, और देख रहे हैं जड़ जो है, और जितना गार्डन का वेस्ट निकलता है वो सब देखिए, ये जड़ देख रहे हैं आप, वॉल से एक गमले से दूसरे गमले से तीसरे गमले में चला गया था, क्योंकि ब्रिक का गमला बना हुआ था। और ये जड़ जो स्पेशली ये निरगुंडी प्लांट का है, ये निरगुंडी प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी जड़ बहुत ज़्यादा फैलती है, तो कुछ कुछ पेड़ भी मेरे प्रॉब्लम कर रहे थे, तो मैं इसको सब कुछ ठीक ठाक इस बार करूँगी। और अब जो है गमले में करने का प्लान किया है, बड़े बड़े गमले रख करके बना उसमें मैं पौधे लगाऊँगी, तो सारे प्लान में है। अभी एक एक सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगी कैसे कैसे बन रहा है ये सारे, लेकिन मेरे पुराने ही वीडियो होंगे। देखिए, हर चीज़ का डिज़ाइन किया गया है, पानी की टंकी को भी एक जगह दिया जाएगा। अब कोई भी डिज़ाइन जब
बनाया जाता है तो उस समय बेस्ट सोच करके बनता है, लेकिन उसकी कमियां जो है बाद में नज़र आने लगती है। तो ये चीज़ इसमें भी थी, ऐसी बात नहीं थी, इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो सभी के साथ होती है। सब चीज़ों में आप कुछ भी बनाइए तो लगता ही है प्रॉब्लम, लेकिन और जब नया बनाइए तो वो चीज़ सबसे बेस्ट लगता है, लेकिन बाद में वही चीज़ें लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ये होना चाहिए था, इस बार ऐसा बनेगा तो ऐसा बनाऊंगी, ये सब बातें सब चलती रहती है। आप देख रहे हैं सीलन आपको दिख रहा है, देखिए कितनी लंबाई में बनी हुई है, सारा वॉल से हमने बनाया था बिल्कुल किनारे, ताकि बीच में पूरा जो है टेरेस जो है खुला खुला खाली खाली लगे। ये अभी प्लांट से आपको भरा भरा लग रहा था, इतना ज़्यादा इस तरह से भरा हुआ नहीं रहता था, हमेशा हर चीज़ साइड में रहता था, सारे पौधे साइड साइड में लगे हुए रहते थे। तो अब यही सब चीज़ें चेंज की जाएंगी, क्या क्या होगा, कुछ चेंज नया होगा पुराना होगा, कुछ चीज़ें जो भी ठीक किया जाएगा वो सारे चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आपको बड़े गमले बनाने हों तो आप हमेशा ब्रिक्स का ही बनाएं। ब्रिक्स के गमले बनाए हुए जो सीमेंट डाल के बनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, समर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्लांट की जड़ को हमेशा ठंडक देते हैं, तो अच्छा डेवलप करते हैं। बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं काफ़ी अच्छा चलता भी है, मेरा 4 साल से सब चल रहा था बहुत अच्छा, इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, कोई कमी नहीं थी, सिर्फ कमी थी तो सीलन की थी। तो इस वजह से मुझे अब गमलों में करना पड़ रहा है, लेकिन ये सॉल्यूशन मेरा शायद सही नहीं है कि गमले में मैं करने का, मैं चाहती तो और इसको सेम थोड़ा सा वॉल से हटा करके सेम चीज़ें ऐसे ही बना सकती थी, लेकिन जब भी कोई चीज़ नई बनती है तो चेंज करने का मन करता है, इस वजह से मैं चेंज कर रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। ऐसा सेम आप बनवा सकते हैं, सिर्फ आपको वॉल से टच नहीं होने देना है। इसकी सारी मिट्टी को मैं फिर से धूप में सुखा के छान के यूज करूँगी गमलों में।